दोस्तों हमने इंडियन टी20 लीग के अंदर एमपीएल के ऊपर टीमें बनाई थी और अब हम वर्ल्ड कप के अंदर एमपीएल पर टीम बनाएंगे और काफी सारे पैसे जीतेंगे। दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ है और काफी मजेदार ये बात चल रही है कि यहाँ बीसीए को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। दो नई टीमें आने वाली है, आप जानते हो इस साल मेगा ऑक्शन भी होगा जो कि एक बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, काफी लंबा चलेगा ये ऑक्शन। इसके अलावा दोस्तों मजे की बात यह है कि नया सीजन होगा, नई टीमें होंगी तो यहाँ पर आने वाले हैं नए रूल्स आएंगे, तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाले सीजन के अंदर भी बन जाएगा, मजा आएगा। खैर आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। तो टीम केकेआर फाइनल्स के अंदर गई थी, उसमें उन्होंने चौंका दिया। इसके अलावा दोस्तों वहां हार गई जो कि फाइनल में ये कभी हारी नहीं है, वहां फैंस को चौंका दिया। मिडिल ऑर्डर बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया, वहां चौंका दिया। तो मैं आपको आज एक ऐसी न्यूज दूंगा जो सुनकर शायद आप वाकई चौंक जाएंगे। तो क्या है अपडेट्स दिन भर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप अपडेट्स केकेआर की, तो क्या है इन अपडेट्स में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मैं आप सभी को एमपीएल के बारे में बताना चाहूंगा जो कि सबसे शानदार फैंटेसी ऐप है। इसमें दोस्तों आप 10, 20, 30 नहीं बल्कि 99 टीम्स बना सकते हो और ये बात तो आप जानते ही हो कि जितनी ज्यादा आप टीमें बनाओगे उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं हमारी रिसेंट टीम हमने बनाई थी जिसके अंदर हमें 9,000 रुपये उस टीम ने कमा कर दिए थे और आज के मुकाबले के लिए भी आप टीम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यही नहीं दोस्तों एक और खुशखबरी की बात यह है कि केवल और केवल 35 रुपये में आपको 12 मैचों के पास वर्ल्ड कप के लिए मिल जाएंगे जो कि एक बहुत ही यूनिक बात है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी हुई है, डाउनलोड करना ना भूलें एमपीएल ऐप। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बहुत ही मजबूत टीम बनती जा रही थी, यहां साल 2021 के अंदर काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, सीएसके के विनिंग कैप्टन ने भी ऐसा कहा था, पर दोस्तों किस्मत को कौन बदल सकता है, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ आपको कितनी उम्मीदें हैं साल 2022 के आने वाले सीजन के अंदर केकेआर की टीम से। खैर दोस्तों अगर बात करें टॉप अपडेट्स के बारे में तो पहली अपडेट निकल के हरी है वेंकटेश अय्यर को लेकर। तो जैसा हमने दोस्तों आप सभी को बताया था कि शॉकिंग न्यूज है, तो वेंकटेश अय्यर काफी अच्छी फाइंड है, केकेआर की काफी अच्छी खोज है। ये दोस्तों आपको डोमेस्टिक में भी खेलते हुए देखने को मिले होंगे, अगर आपने इससे पहले शायद ही नोटिस किया होगा, शायद क्या बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा, बट आपने नोटिस कर लिया होगा। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों वेंकटेश अय्यर एक बढ़िया ऑलराउंडर है, ओपनिंग बल्लेबाज तो है ही, बट यहां दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने एक बहुत बड़ी एक हिंट दे दी है कि वो अगले साल केकेआर को छोड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों क्यों छोड़ सकते हैं इसके ऊपर अभी मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। दोस्तों रिसेंटली जो महेंद्र सिंह धोनी है इनकी तारीफ वेंकटेश अय्यर ने बहुत ज्यादा कर दी है। अब आप बोलोगे कि तारीफ करने में ऐसा कुछ क्या है कि जिससे पता चले कि ये टीम को छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि यहां पर ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग हुई थी फेज टू की, तब से ही वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं। आईपीएल खत्म हो गया, सीएसके जीत गई, तब इन्होंने उनकी तारीफ की है, बट आपको शुरुआती मुकाबलों में से जो फेज टू के होते हैं उसमें से किसी से भी लेकर लास्ट तक या अभी तक भी मॉर्गन की कोई भी तारीफ हमें देखने को नहीं मिली, ना ही मॉर्गन की, ना ही दिनेश कार्तिक की, ना ही केकेआर के किसी मैनेजमेंट की। केकेआर के मैनेजमेंट के हेड कोच जो कि ब्रैंडन मैकुलम है, उनकी खोज थे वेंकटेश अय्यर, उनकी भी उन्होंने अभी तक तारीफ नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ी हिंट वो दे रहे हैं कि अगर मेगा ऑक्शन के अंदर उनको टीम रिटेन नहीं करती है तो सीएसके की टीम से राजी खुशी खेलने को तैयार है। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ वेंकटेश अय्यर एक गुड चॉइस हो सकते हैं केकेआर के लिए अगले साल के लिए, उनको रिटेन करना चाहिए या रिलीज कर देना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है ऑयन मॉर्गन को लेकर। तो हमने दोस्तों हमारी रिसेंट वीडियो के अंदर आप सभी को ये चीज बताई थी कि एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं, अगर वो कंफर्म हो जाती है तो दोस्तों 99% कंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन हमें केकेआर के खेमे से ही मिला है। केकेआर मैनेजमेंट के काफी इनसाइड सोर्सेज से थ्रू हमें ये न्यूज पता चली है और ये न्यूज पहले तो हो सकता है आप शायद बिलीव ही ना करो, ये इतनी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। बात करते हैं ऑयन मॉर्गन की। दोस्तों केकेआर के कैप्टन है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, कूल और काम बिल्कुल धोनी जैसे कैप्टन है, तो आप भी सोचोगे कि हाँ एक बहुत ही परफेक्ट कैप्टन है। बल्ले के साथ इनका फॉर्म नहीं चला तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं या केकेआर इनको निकाल दे अगले साल ले ले तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। बट दोस्तों केकेआर ने अभी तक किसी भी प्लेयर को रिटेन किया हो ऐसी न्यूज़ नहीं है, बट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़, क्या आप भरोसा करोगे? दोस्तों मॉर्गन होने वाले हैं वो खिलाड़ी जिनको केकेआर रिटेन करेगा। जी हाँ, ना गिल, ना वेंकटेश अय्यर और ना ही आंद्रे रसल, इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले मॉर्गन हो सकते हैं रिटेन, सबसे पहले होंगे, बाद में होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट मॉर्गन को यहाँ ये रिटेन कर सकते हैं। ना सिर्फ रिटेन कर सकते हैं, अगले साल केकेआर की कमान भी संभालने को दे सकते हैं। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कप्तानी है, जो भी है दोस्तों अभी हमें पता नहीं है, आगे ये स्टार्टिंग एज की न्यूज है, आगे हम बता देंगे। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ अगले साल भी केकेआर के कप्तान मॉर्गन, ये कैसी चॉइस है, आपको क्या लगता है रिटेन करना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, आप नीचे कमेंट कर देना। तो गाइस जल्दी से जाओ एमपीएल पर टीम बनाओ, अगर अभी तक नहीं बनाई है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जरूर लाइक करो।